ओहो अम्मी, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? अम्मी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरे साथ एक पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए। और क्या ही क्रिएटिविटी उसे काम में, लोगों से कबाड़ लेके जाके बेच देता है। वाह, अरे उसका बाप बेचता था कबाड़ और वो मर चुका है। तो अम्मी, बाप जो करता है बेटा भी वही करता है। बिजनेस है ये, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। जानती हूँ कितना बड़ा बिजनेस है, मैं ही नहीं पूरा मोहल्ला जानता ये बात। तो हम ये मोहल्ला ही छोड़ देंगे। हम मतलब ये कि मैं भी साथ ही जाऊंगी। उसने मुझे ऑफर किया ना कि मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी तुम्हारी शादी के बाद। अच्छा है ना, मुझे भी ये मेहंदी उपटन ये नहीं बेचना पड़ेगा। अच्छा तो अब समझ आई मुझे, आपने सारी प्लानिंग की भी है, मेरे साथ मेरे जहेज में जाने का इरादा है आपका। तुम्हारे जहेज में मैं ही साथ जाऊंगी, और कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने को। अम्मी समझ क्यों नहीं रही है? मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया बस। हेलो बीना, देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, जीता तो तुम्हारे लिए और आज जान दे रहा हूँ तो तुम्हारे लिए। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि तुम किसी और की हो जाओ। अबे चरागू को गाली बक। हाँ, और वो तुम घटिया चरागू के साथ शादी करने लगी हो, इससे तो बेहतर था कि तुम आबे से कर लेती, आबे से शादी कर लेती। अबे तू मुझे कटा के खुद बीना से शादी करेगा क्या? अरे क्या बात कर रहा है यार, उसने तुझ जैसे पढ़े लिखे आदमी से शादी नहीं की तो मुझ जैसे गवार से कैसे करेगी? वो तो मैं खुदकुशी कर रहा हूँ ना इसलिए, और अगर मैं खुदकुशी ना करूं तो। चिरागो 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 से शादी करने से अच्छा ये नहीं है कि मैं मसर से शादी कर लूं? अरे मैं तो कभी उस कंगले से तुम्हारी शादी ना करूं। वाह, सुबह तक तो बड़े कसीदे पढ़ रही थी उसके कि भाई इंजीनियर है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा। कर भी लेगा तो कितना कमा लेगा, और फिर जो उसकी कमाई होगी उसके माँ बाप ले जाएंगे। अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप, और आप जानती नहीं कब से हमारे घर में राशन डलवा रहा है। अरे तुम्हें तो नफरत है ना उससे, तुम तो कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। अब ऐसा भी नहीं है, वो तो मैं जानबूझ के करती हूँ ताकि उसको कुछ शर्म आए और वो जाके जॉब ढूंढे। बस बहुत होगी बहस, अब मैं रजिया से कहकर अच्छी सी तारीख देखकर तुम्हारा निकाह कर रही हूँ। और अब्बू, अब्बू को क्या कहेंगी? अबे ये कहाँ लेकर आ गया? कमाल इंश्योरेंस एजेंट का ऑफिस है ये। अबे तो अपने महल के अंदर कोई ऑफिस नहीं था? तुझे बताया था ना यार, बड़ा सीनियर आदमी है ये, इसका कोई केस रिजेक्ट नहीं होता, बस मुड़ा मान जाए, ईमानदार बहुत है। बात ये है कि इंश्योरेंस तो कई किस्म की होती है, करोड़ों की भी होती है और अरबों की भी होती है। बस 2-4 अरब की हमें भी करवा दो। अच्छा तो आप लोग करते क्या है? जो करते हैं कमाल करते हैं। अच्छा यानी आप लोग इंश्योरेंस एजेंट हैं? नहीं नहीं, अभी तो आपने कहा कि जो करते हैं कमाल करते हैं। कमाल क्या होते हैं? मेरा नाम कमाल है, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे कमाल साहब इसीलिए तो आपके पास आए हैं। अच्छा तो आप लोग सालाना प्रीमियम कितना दे सकते हैं? ये प्रीमियम क्या होता है? जितनी प्रीमियम में ज्यादा रकम होगी उतनी बड़ी इंश्योरेंस होगी। अच्छा अच्छा तो एक काम करें, हमारी 10 लाख 20 लाख की बना। अच्छा आप लोग करते क्या है? मैं बताता हूँ आप, हमको कोई ऐसी पॉलिसी चाहिए जो हमें कम से कम 2 करोड़ रुपए दे। आप लोग करते क्या है? क्या हुआ, क्यों इतना हंस रही है ये? इतना अच्छा रिश्ता मिलने पे खुश हो रही है? हाँ ना, देखो ना, जब उसने सिर्फ रिश्ता लगाने पे मुझे इतना मॉडर्न कर दिया तो तुम्हारी बेटी को शादी के बाद कितना खुश रखेगा ये सोचो। तो आपको जीन्स टी शर्ट नहीं दिलाई उसने, थोड़ी और मॉडर्न हो जाती। हाँ हाँ वो भी लूंगी। अच्छा मैंने ना अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है तो उसको ना सब्सक्राइब कर देना, और घंटी जो बनी हुई ना उसको दबा देना। सही है, मैं शॉपिंग पे ले जा रही हूँ, जीन्स टी शर्ट भी ले लूंगी। अच्छा याद दिलाया। अच्छा बाय बाय। तभी उसके सामने ही हंस रही थी, बुरी बात हुलिया देखा आपने, दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया? खुदकुशी करते हुए जाके खुदकुशी करें फिर, या जो भी करने करें, इस दफ्तर से निकले बाहर। अरे कमाल साहब आप खाम खा नाराज हो रहे हैं, आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हैं जैसे बेटी का रिश्ता मांग लिया हो। और अगर रिश्ता मांग भी लिया तो क्या हो गया, हम जैसे जहीन नौजवान आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और क्या,
मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। जब भी तो इतने थके हुए ऑफिस में बैठे हुए आप, और फर्नीचर भी कबाड़ी से मांगे का लग रहा है। ये जो एसी ओपन लगाया हुआ है ना आपने, शोपीस का है, चलता वलता है नहीं है, एक चपरासी तक नहीं ऑफिस। अरे छोड़ यार, घंटे से बैठे हुए बंदे ने चाय तक नहीं पूछी। आप लोग मेरे दफ्तर से बाहर निकले, मैं